हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं वीडियो शुरू होने से पहले भी ये बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हों, बहुत लोगों की पीआर स्टोरी सुनी हो। सो चलो आज मैं आपको अपनी पीआर स्टोरी सुनाती हूँ, जो उस टाइम की है। तब तक एक्सप्रेस एंट्री शुरू भी नहीं हुआ था, और जब हमारा कनाडा का पीआर हो चुका था उसके इमीडिएट बाद ही एक्सप्रेस एंट्री का प्रोसेस शुरू हो चुका था कनाडा के लिए। यस, हमारी कनाडा की पीआर की स्टोरी 2015 की है, जिसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2013 में, जब अनिल के दिमाग में आया था लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया। यस, अनिल ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जाने का ही सोचा था, और ऑस्ट्रेलिया के पीआर के बारे में ही उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट की थी। और उस टाइम पे हम लोग ना बैंगलोर में रहते थे, और अनिल की अच्छी खासी जॉब थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और मैं भी अपनी जॉब से ब्रेक लेके बच्चों और घर में बिजी थी। बट बात यह है कि अनिल के दिमाग में अचानक से कहां से आया पीआर के लिए कि हाँ फॉरेन कंट्री जाना। और उस टाइम तक तो हम किसी को जानते भी नहीं थे कि कोई किसी फ्रेंड ने अप्लाई किया हो किसी पीआर के लिए, या किसी जानने वाले ने अप्लाई किया हो। हमें किसी भी तरीके की कोई भी नॉलेज भी नहीं थी कि पीआर नाम की भी कोई चीज होती है। बट क्या हुआ, अनिल ने बहुत पहले ना कोई सेमिनार अटेंड किया था, मे बी ऑफिस की तरफ से, या जनरली कोई सेमिनार अटेंड किया था उन्होंने। तो उन्हीं सेमिनार वालों का अनिल को कोई ईमेल आता है, मूव टू ऑस्ट्रेलिया, इस तरह का कोई सब्जेक्ट लाइन था। तो अनिल ने जस्ट सोचा कि एक्सप्लोर किया जाए, पूछा जाए कि ये होता क्या है। पूरा एक्सप्लोर वगैरह किया तो ऑब्वियसली इट वॉज नॉट द चीप प्रोसेस, खुद से जाने का मतलब है अच्छा खासा खर्चा करना। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, वेट करते हैं, मे बी शायद कंपनी हम लोगों को भेज दे, कहीं पे भी भेज दे। लेकिन अनिल का ये था कि हाँ थोड़े एक बार ट्राई तो करना है, बाहर जाके एक बार देखना, उनका मन था यूएस वगैरह कहीं तो भेजेगी कंपनी। तो हम लोग वेट करने लगे उसी बात को लेके। बट अचानक से फिर थोड़े दिनों के बाद अनिल ने जस्ट ऐसे कुछ दोबारा एक्सप्लोर करना शुरू किया। पूरा कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद अनिल ने जस्ट एक रियलाइज किया कि अगर कंपनी भेजेगी भी तो मान लो एक साल के लिए या दो साल के लिए, हम लोग कितना सेव कर लेंगे। ऑब्वियसली विद फैमिली जाएंगे तो हम लोग कितना सेव कर लेंगे, जितना हम बचा के लेके आ पाएंगे इंडिया में। सो वो अनिल का रियलाइजेशन था, वो अनिल का थॉट प्रोसेस था। पूरा कहीं से भी एडजस्ट करके हम लोग अपना पीआर प्रोसेस के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किसी को भी नहीं जानते थे जिसने पीआर प्रोसेस कभी किया हो, जो लोग हमें कुछ स्टार्टिंग में गाइडेंस दे सके। और सच बताऊं तो उस टाइम पे हमारे कुछ दिमाग में भी नहीं था कि यूट्यूब में कुछ ऐसी वीडियोस भी होती हैं जिनमें पूरा पीआर प्रोसेस वगैरह एक्सप्लेन किया होता है, विदाउट कंसल्टेंसी भी समहाउ वी कैन मैनेज। बट हमें ऐसा कुछ नॉलेज नहीं थी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता था कंसल्टेंसी का। सो फिर वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हमने गूगल वगैरह करना शुरू किया कि कौन सी कंसल्टेंसी अच्छी है, सारी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की बैंगलोर में कौन कौन सी कंसल्टेंसी अच्छी है। फिर हमें एक अच्छी सी कंसल्टेंसी मिली और हम लोगों ने उनको कॉन्टैक्ट किया और पूरा प्रोसेस उनसे समझा। उनसे मिलने के बाद हमको पूरा इतना तो समझ में आ गया कि हमें पीआर प्रोसेस के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कितना बजट है, कितना हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए, और कितनी उनकी फीस है। पूरा आइडिया हमें लग चुका था कि हमें क्या करना है। और उसके बाद अनिल ने साइड बाय साइड आईएल्स की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी और एग्जाम भी दे दिया, एंड समहाउ अनिल ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। बट बात कहाँ पे जाके अटक रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जितने पॉइंट्स हमें चाहिए उतने पॉइंट्स नहीं बन रहे थे। हमने पूरा चेक किया है, ये भी सोचा कि अगर मैं भी आईएल्स दे देती हूँ तो जो पॉइंट्स मुझे मिलेंगे वो भी इनफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वो भी हमने पूरा चेक किया। तो लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया कि मेरे देने के बावजूद भी इनफ पॉइंट्स नहीं बनेंगे, तो हमने सोचा कि वाई टू वेस्ट 10,000 रुपीज़। उस टाइम पर जितना मुझे याद है आई थिंक 10,000 रुपीज़ लगते थे आईएल्स के एग्जाम के लिए, कि जब बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो वाई टू वेस्ट 10,000 रुपीज़। तो मैंने भी आईएल्स का एग्जाम नहीं दिया। सो वी वर जस्ट वेटिंग कि अब हो जाएगा, पॉइंट्स में भी शायद नीचे गिरेंगे, और हम लोग आराम से सिर्फ बैठ के और कुछ कर भी नहीं सकते थे। वी वर जस्ट वेटिंग कि पॉइंट्स बनेंगे, पॉइंट्स इनफ होंगे तो हमारा ऑस्ट्रेलिया का पीआर हो जाएगा। और धीरे धीरे करके एक साल होने ही वाला था और हम लोगों की होप भी पूरी तरह खत्म होने ही वाली थी कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है, इतना टाइम से वेट कर रहे हैं कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो धीरे धीरे करके हमारी होप भी खत्म होने ही वाली थी, बट जहाँ चाह वहाँ रहा। अचानक से एक दिन कंसल्टेंसी के एक बंदे का कॉल आता है और वो बोलता है कि आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस में तो अभी टाइम लग रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा,
कब आपके पॉइंट्स इनफ होंगे, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर कनाडा। और उन्होंने हमको पूरा समझाया कि आपके इनफ पॉइंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है, आपके टोटल इवन आपके मोर देन इनफ पॉइंट्स हैं, तो आप इजीली कनाडा के पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी रिसर्च वगैरह स्टार्ट कर दी कनाडा के बारे में कि कनाडा कैसा है, वहाँ पे कैसी लाइफस्टाइल है, या मतलब थोड़ा थोड़ा हमने मतलब जस्ट आइडिया लेने लगे जॉब का, जॉब मार्केट कैसी है, थोड़ा अनिल ने हल्का फुल्का रिसर्च किया। तो अनिल ने डिसाइड किया ओके फाइन, अगर ऑस्ट्रेलिया का नहीं हो पा रहा है तो लेट्स गो टू कनाडा। बट दिमाग में क्या था ना कि हमें उतना नॉलेज तो था नहीं, बट समहाउ हमें ऐसा लग रहा था कि मे बी कभी ऐसा तो नहीं है कि कंसल्टेंसी सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए सिर्फ ऐसा बोल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा के पीआर के लिए अप्लाई करने में वो जो हमने फीस भरी थी उसके वो सेपरेट फीस भरनी थी, जो ऑस्ट्रेलिया की थी वो ऑस्ट्रेलिया की फीस थी, उसके लिए हमें दूसरी फीस भरनी थी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था हमारे कि पता नहीं मतलब उनका ये बिजनेस टैक्टिक्स तो नहीं है। तो हमने क्या किया कि ठीक है थोड़ा पैसा तो लगेगा ही लगेगा, तो हमने कनाडा का पीआर दूसरी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया। मे बी कंसल्टेंसी की कोई गलती नहीं थी, बट इनिशियली हमें लग रहा था कि पता नहीं, एक होता नहीं जब नहीं होता है तो लगता है कि पता नहीं वो लोग थोड़ा लापरवाही तो नहीं कर रहे, एनीवे उनकी कोई गलती नहीं होती है उसमें, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चल रहा था। तो हमें लगा नहीं ठीक है हम लोग दूसरी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस चल रहा है, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो हम लोग ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना कनाडा के पीआर के लिए। और हम लोगों ने कनाडा की पीआर के लिए फाइल सबमिट की थी 2014 में, और लकीली भगवान की दया से हमारा पीआर आ गया था 2015 में। बट पीआर की कन्फर्मेशन इतना ईजिली हमको नहीं मिली थी, उसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतना इजीली हमको कैसे मिल सकती थी कंफर्मेशन, तो मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। तो क्या हुआ था, हम लोगों ने फाइल तो सबमिट करा दी थी 2014 में, और हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि अब कंफर्मेशन आएगा, अब कंफर्मेशन आएगा। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस तो किया था कि उन लोगों को 1000 एप्लीकेशन पिक करनी है। तो हम लोग कंसल्टेंसी से कांटेक्ट भी करते रहते थे कि क्या अपडेट है, कि कब तक वो लोग 1000 एप्लीकेशन पिकअप करेंगे। तो सडनली अनिल एक दिन ऑनलाइन चेक कर रहे थे और उन्होंने देखा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1000 एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग। बट हमको तो कोई ईमेल नहीं आया था उस टाइम तक, हम लोग सोचे कि मे बी कंसल्टेंसी के पास आया होगा। हम लोगों ने उनको कॉन्टैक्ट किया, पूरा चेक किया, बट उनके पास भी कोई डिटेल्स नहीं आई थी कंफर्मेशन की कि हमारी फाइल पिक हुई है या नहीं हुई है। तो वो भी एक बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का भी अभी तक हमारा कुछ आता पता नहीं था, और कनाडा के में पॉइंट्स बनने के बावजूद भी होप थी हमारी कि इसमें तो हो ही जाएगा। और जब पता चला कि 1000 एप्लीकेशन पिक हो चुकी है और हमारे पास कोई ईमेल नहीं है, कंसल्टेंसी के पास भी कोई ईमेल नहीं है, तो फिर मतलब मैं हमारी नहीं बोलूँगी, फ्रैंकली टेलिंग मेरा ऐसा कोई भी इच्छा नहीं थी कि मुझे कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है। अनिल की इच्छा थी, मैं जस्ट उनको फॉलो कर रही थी, ठीक है हाँ वो ट्राई कर रहे हैं तो मैं भी होप कर रही थी और मैं भी प्रे कर रही थी। लेकिन उस टाइम पे अनिल का पूरा एकदम लाइक ही वॉज सो अपसेट कि ये भी एक होप थी वो भी गया। समहाउ मैंने जैसे आपको बोला कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी ऐसा कि बाहर जाने की, बट कहीं ना कहीं ये था कि यार अनिल इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने आईएलएस के लिए भी इतनी पढ़ाई की है, इतने टाइम से वो वेट कर रहे हैं कि मतलब मेरा हो जाएगा पीआर, लेकिन आईएलएस की प्रिपरेशन करना। और मैं साथ के साथ ये बोलूँगी सिर्फ अनिल की मेहनत नहीं थी, सच में मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है उनको स्पेयर टाइम देना कि नहीं अनिल तुम पढ़ लो मैं बच्चों को संभाल लूँगी। वो बाहर जाके कहीं ना कहीं अपने लाइब्रेरी में या कार के अंदर जा जा के पढ़ते थे, तो मैं अकेले पूरे घर को मैनेज करना, दोनों बच्चों को संभालना, इतना स्ट्रगल करने के बाद ऐसा लगता था ना कि ये भी गया और हमारा पीआर नहीं हुआ। और प्रॉब्लम क्या थी कि हम किसी से कंसल्टेंसी के अलावा हम किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, कहीं से कंफर्मेशन भी नहीं ले सकते थे कि हमारी फाइल पिक हुई है या नहीं हुई है। कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जहां से हम कॉल करके ईमेल करके हम पूछ सके। तो बस उस टाइम पे अनिल का फेस देख देख के बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, कैसे उनकी हेल्प करूं। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, समहाउ मैंने सोचा कि थोड़ा सा गूगल करके देखती हूँ, मे बी कोई तरीका मिल जाए कि हम कैसे पता लगा सकते कि हमारी फाइल पिक हुई है या नहीं हुई है। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक से मैंने लैपटॉप उठाया
और बाहर जाके अपने घर के जस्ट बाहर वाले एरिया में जाके, और मैं जस्ट ऐसे सर्च करने लगी। इतना कम से कम 1 से 1.5 घंटे मैंने पूरा टाइम लगाया, पूरा ट्राई किया कि कोई तो ऑप्शन मिल जाए, कहीं पे किसी ने लिखा हो, किसी बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो। पूरा रिसर्च करने के बाद रियली बोलूँ टचवुड मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली, मैं आपको बताती हूँ आगे, जिसने बहुत बड़ी हमारे मतलब बहुत बड़ी हेल्प की। क्या हुआ, किसी ने एक इन्फॉर्मेशन डाल रखी थी कि जिसको कि जब हम लोग पीआर प्रोसेस अप्लाई करते हैं, हम लोग ड्राफ्ट भी जमा कराते हैं कुछ अमाउंट का, कि हाँ उसकी फीस होती है पीआर प्रोसेस की। तो किसी ने मेंशन किया हुआ था कि अगर वो आपका विड्रॉ हो चुका है, इट मींस आपकी फाइल पिक हो चुकी है, और ये पता करने के लिए आपको अपने बैंक में कॉल करके पता करना पड़ेगा। तो एक रास्ता खुला, जस्ट उस रात का वेट था, अगले दिन मुझे कॉल करना था, अनिल तो अपने ऑफिस चले गए। मेरे दिमाग में लग रहा था कि मैं कैसे पता करूं, मैंने बैंक कॉल किया, उनको पूरे डिटेल्स बताई और उनको बोला कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट, आप चेक करके बता सकते हैं ये नंबर है, ये विड्रॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो बंदा था वहाँ पे बैंक में, रियली वो बंदा मैं बोलूँगी इतना ज़्यादा हेल्पफुल था। उस बंदे ने बोला आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन मैम, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मतलब लेकिन मुझे वो वेट नहीं हो रहा था, मैंने 1.5 घंटे बाद उसको दोबारा कॉल करके पूछा तो उसने बोला इतना जल्दी नहीं होता है, हमारे सुबह चेक्स जाते हैं और शाम तक हमें कन्फर्मेशन मिलती है कि वो विड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है। और उस बंदे ने मुझे शाम के 4 या 4:30 बजे के आसपास उसने मुझे डायरेक्टली वहाँ से कॉल किया और वो बोला कि मैम अब आप खुश हो जाइए। पता नहीं उसने मतलब मेरे भी बात करने के तरीके से समाओ समझ लिया था कि आई एम सो डेस्परेट टू गेट टू नो दैट विड्रॉ हो चुका है, और उसने मुझे कॉल करके बोला कि मैम आप खुश हो जाइए, उसने सिर्फ इतना बोला। और मैं समझ गई और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, इसलिए नहीं कि वो चेक विड्रॉ हो गया है और पीआर प्रोसेस हो चुका है, फ्रैंकली टेलिंग मैं इसलिए खुश हुई कि अनिल की इच्छा पूरी होने वाली है, सिर्फ इसलिए कि अनिल जो अपसेट थे अब वो खुश हो जाएंगे। बस फिर मैंने उस बैंक वाले को थैंक यू बोल के इमिडिएटली अनिल को ऑफिस में कॉल किया और उनको बताया, फाइल पिक हो चुकी थी बट हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी, उस चक्कर में हम लोग बहुत टेंशन में थे और इस तरीके से हमको पता चला कि हमारी फाइल पिक हो चुकी है। दैट वॉज दैट ट्विस्ट इन आवर पीआर प्रोसेस। तो इस तरह हमको हमारा कनाडा का पीआर मिला। लेकिन मैं आपसे ना एक बात और शेयर करना चाहूंगी, जब अनिल ने बोला ना कि हमें ऑस्ट्रेलिया के पीआर के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे तो उतना कुछ नॉलेज नहीं था, ठीक है अप्लाई कर रहे हैं देखा जाएगा, बट समहाउ ना कभी भी ना मुझे ना एक वाइब्स ही नहीं आई थी कि कहते ना कि हाँ जाने वाली वाइब्स आती है कि हाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कुछ इस तरह की वाइब्स थी। एक बार बिल्कुल नॉर्मल था कि ठीक है हो जाएगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। बट सच्ची बताऊंगी जब कनाडा के पीआर के लिए अनिल ने अप्लाई किया था ना, तो समहाउ एक वाइब्स आई मुझे कि हाँ हमें जाना चाहिए वहाँ पे शायद हम लोग मैनेज कर लेंगे। और उसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताऊंगी कि क्यों वो वाइब्स थी, मे बी वो बहुत सिली रीज़न है, मतलब समहाउ आप लोगों को वो सिली लगे बट मेरे लिए शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, सोशल लाइफ, फ्रेंड्स में रहने वाली, हर वक्त मस्ती करने वाली, पार्टीज करने वाली, सडनली इंडिया छोड़ के, फ्रेंड्स छोड़ के किसी दूसरे देश में जाना, और बहुत कुछ दिमाग में चलता है उस टाइम पे। बट पता नहीं कनाडा के लिए वाइब्स आती थी मेरे अंदर से जो ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी भी नहीं आई। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था जो मेरे को मतलब उस टाइम पे इंटरनेट के थ्रू पता लगा था, ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से कोई मैं किसी को जानती थी, इंटरनेट के थ्रू लगा कि हाँ कनाडा में बहुत सारे पंजाबीज रहते हैं, होप थी कि हाँ वहाँ पे हिंदी समझने वाले लोग भी मिल जाएंगे, हमारे जैसे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि हम तो ABCD भी नहीं जानते थे और अनिल को उतना फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब ही वास्तव कि हाँ मतलब मुझे जाना है, वो इतना नहीं सोचता कि कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट मेरे लिए ये था कि मुझे इंडियंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई मुझसे बात करने वाला मिलेगा नहीं मिलेगा। तो समहाउ ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ना मुझे कहीं से वाइब्स आती थी, ऐसा नहीं कि कनाडा सॉरी ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस नहीं रहते, बट कंपैरिजन देखती थी इंटरनेट पे 2014 में, उस टाइम पे इंटरनेट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मुझे ये फील आता था कि कनाडा में ज्यादा इंडियंस रहते हैं, उस रीजन के चक्कर में मेरे को वाइब्स आती थी कि हाँ कनाडा में शायद मैं रह सकती हूँ, तो शायद कनाडा में हमारा आना लिखा था, तो शायद इसलिए ऑस्ट्रेलिया का पीआर हमारा नहीं लगा। So,
हमारी किस्मत में कनाडा ही आना लिखा था, तो हम कनाडा आ गए और अभी 6 साल हो चुके हैं भगवान की दया से। लाइक वी आर वेरी मच हैप्पी विद आवर डिसीजन फॉर कनाडा, सिर्फ एक रीजन को छोड़ के कि हम लोग फैमिली से बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। और फ्रैंकली पैंडेमिक ने तो और एहसास दिला दिया है कि हम लोग फैमिली से बहुत ज्यादा दूर हैं। चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। सो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कनाडा का पीआर तो हमें मिल गया, बट हाउ डिड अनिल गेट हिज फर्स्ट जॉब इन कनाडा फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। चलो आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज भूलना नहीं, स्टे होम स्टे सेफ। बाय बाय।